हाल ही में ओटीटी में रिलीज हुई स्कूप को लेके काफी सारे बातें हो रही है। ये वेब सीरीज 2011 में घटी एक बहुत ही सनसनीखेज घटना के ऊपर आधारित है, जो घटना पूरे मुंबई को हिला के रख दिया था। 2011 की जून में छोटा राजन गैंग की आदमियों ने मुंबई के मिड डे न्यूज पेपर की क्राइम रिपोर्टर जतिर्मय दे यानी जे दे को दिन दहाड़े गोली मार के मार दिया था। फुल डेलाइट में एक जर्नलिस्ट की मर्डर होने से हर कम मच जाती है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच एक स्पेशल टीम बनाती है। 16 दिन के बाद मुंबई पुलिस एक केस क्रैक करती है। छोटा राजन गैंग की काफी सारे लोगों को पकड़ा जाता है। तब तक समझा जा चुका था कि रिपोर्टर जे दे छोटा राजन के खिलाफ आर्टिकल छप रहे थे, इसलिए छोटा राजन के आदमियों ने जे को मारा। लेकिन सरप्राइज अभी भी बाकी था। करीब 7 महीने के बाद 2013 में मुंबई पुलिस ने न्यूज़पेपर एशियन एज की रिपोर्टर जिग्ना वोरा के अगेंस्ट चार्जशीट दायर किया इस हत्या की साजिश रचने के लिए। एक जर्नलिस्ट ने दूसरे जर्नलिस्ट को मरवाया एक बहुत बड़ा डॉन की मदद से। वेरी इंटरेस्टिंग। जिग्ना वोरा को बाइकुल्ला जेल में रखा जाता है। बाद में जिग्ना वोरा ने ये पूरी घटना के ऊपर अपनी सफाई देते हुए एक किताब लिखी, बिहाइंड बार्स इन बाइकुल्ला माई डेज इन प्रिजन। सीरीज में जे दे का कैरेक्टर प्ले करते हैं नेशनल अवार्ड विनर प्रोसेनजीत चटर्जी और जिग्ना वोरा की कैरेक्टर प्ले करते हैं करिश्मा तन्ना। स्कूप जिग्ना वोरा की लिखी हुई किताब के ऊपर आधारित है, तो जाहिर सी बात है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया। सीरीज में जे दे का नाम दिया गया है जयदेव सेन, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड क्राइम रिपोर्टर है और राइवल न्यूज़पेपर की रिपोर्टर जागृति पाठक की कंपेटिटर है। सीरीज में दिखाया गया जागृति एक बहुत ही काबिल क्राइम रिपोर्टर है। अंडरवर्ल्ड में उसकी काफी सोर्सेस है उसे न्यूज टिप्स देने के लिए, और छोटा राजन उसे पर्सनली फोन करके बात करते हैं। उसे 7 साल के अंदर 3 प्रमोशन मिलती है। जयदेव और जागृति एक दूसरे के रास्ते पर आते हैं, उन दोनों के बीच अनबन होती है। बाद में जब नाना गैंग यानी छोटा राजन की गैंग जयदेव को मार डालता है, तब अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की वजह से जागृति को गिरफ्तार किया जाता है। तो असल में क्या हुआ, जयदेव एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और जाने माने क्राइम रिपोर्टर थे। वो लगातार पिछले 20 सालों से अंडरवर्ल्ड, ऑयल माफिया, पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के ऊपर आर्टिकल छप रहे थे और ये पूरी चेन को एक्सपोज करते आ रहे थे। उन्होंने 2 किताब भी लिखे थे, खल्लास एंड डायल। ये सब की वजह से वो ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड की टारगेट पे थे। उधर उम्र में काफी यंग एंड एम्बिशियस जिग्ना वोरा भी एक काबिल क्राइम रिपोर्टर थे और सिर्फ 37 साल की उम्र में ही बन गई थी एशियन एज मुंबई ब्यूरो की डेप्यूटी चीफ। वो छोटा राजन का इंटरव्यू करने वाली थी। उस समय जे डे अंडरवर्ल्ड की 20 गैंगस्टर के ऊपर एक किताब लिख रहे थे, चिंदी रैक्स टू रिचेस। कहा जाता है राजन इससे काफी नाराज थे। 2011 की 11 जून छोटा राजन गैंग की 4 आदमी जे दे को मोटरबाइक में पीछा करके पवई के हीरानंदानी गार्डन के पास गोली मार के मर्डर करता है। मुंबई क्राइम ब्रांच 16 दिन के बाद छोटा राजन गैंग की 7 आदमियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन इसमें जिग्ना वोरा कहां से आती है? कहा जाता है क्राइम ब्रांच ने एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट किया था जो छोटा राजन और मनोज बोल के एक गैंगस्टर के बीच में थी, और पुलिस के एलिगेशन थे कि जिग्ना वोरा ने जे दे की एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और मोटरसाइकिल का लाइसेंस प्लेट नंबर राजन के आदमियों को दिया था। उनके ऊपर और भी आरोप था कि उन्होंने एविडेंस नष्ट करने के लिए अपनी ब्लैकबेरी फोन ग्रे मार्केट में सेल किया था, जो बाद में पुलिस ने ट्रेस किया था। 2012 में जिग्ना वोरा को माकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। सालों तक ये केस चली, राजन और उनके आदमियों को सजा हुई। जिग्ना वोरा के खिलाफ एविडेंस स्ट्रांग नहीं होने के कारण 2018 में माकोका कोर्ट ने उसे इस केस से बरी कर दिया। इस केस में और एक इम्पोर्टेंट शख्स थे, वो थे एसीबी क्राइम हिमांशु रॉय, जो इस केस को सुपरवाइज कर रहे थे। सीरीज में ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हरमन बावेजा।